सेठानी एक 6 साल का लड़का चंद्रगुप्त भूखे बैठे घर में खाने के लिए नाज का दाना तलक नहीं रहा। तो एक दिन बाद सेठानी ने उकेला जी के सिर दी, आप ये कहा करते कि हापुड़ के अंदर मेरा यार एक मनसा सेठ, आप उसके पास जाइए और 200 रुपए उससे उधारे मांग लाइए। तो इतनी बात सुनकर सेठ तारातंद ने उकेला कह रहा है, सेठानी कदे यो जगत मने जो सारा संसार जगत सेठ कहा करता और आज एक या नौबत आ गई कि मैं 200 रुपए उस पर मांग के लाऊं। ने बोली ओ सरदी मन्ने कोना कह दी के उधारे मांग लिया के और क्या कह दिए तू? तो अपने उस 6 साल के लड़के चंद्रगुप्त को सामने खड़ा करके और एक बात के द्वारा उदास प्रतिष्ठानी उसके सिर पर हाथ रख के और सेठ तारासन से क्या करती है क्या बता भला? मनसा सेठ बसे हापड़ में मैं उनके सुकृत करे बात नहीं है। एक बार आप जाकर तो देखिए क्या कहती हो सेठानी क्या बता रहे? अब पानी देख के अपने
शैतानी की आंखों में वो शैतानी नुक्कर लगी हो सेठ जी, आप तो मर्द मानस हो और मुन्ने देखे ने जिसने 9 महीने तक ये गर्भ के अंदर रखा, जिसने पेट पाल के जाए और मैं ये कहती हूँ कि इसने गर्भी में रहो, और आप यो हाल करोगे तो मेरा गेरा होगा। तो रोक के वो शैतानी दयावती क्या कहती है, हरी नाम पुकारे
बताते हैं, ये सुनने में आया कि जिस वक्त उस पिंगला रानी को सैयद के साथ देखा विक्रम ने, और वो पिंगला रानी ये सोचती है कि ये अपने भाई से शिकायत करेगा, तो नगर सेठ से कहके अपने देवर विक्रम के खिलाफ गवाही दिलाती है राजा भरतरी के सामने कि ये जो विक्रम है इसके मेरी पुत्र वधु के साथ नाजायज संबंध है, झूठी गवाही दी। तो भरतरी ये कहता भाई विक्रम तने मेरी इज्जत का बट्टा लगा दिया, मैं तेरे को कत्ल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब जल्लादों की सुपरत कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई जाओ इसको कत्ल करके आओ। अब पहले तो भाभी ने धमका रखा था और फिर भाई ने भी जब सुनाई नहीं करी तो विक्रम की आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। नुक्कड़ लग गया रे भरतरी, आज भाई मेरा माँ बाप मरे उड़ याद आए, नहीं तो मैं आज तक आपको अपना बाप समझता था और इस पिंगला रानी को अपनी माँ समझा करता, लेकिन आज तने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। अरे इसकी साथी मानकर तू अब मेरे को कत्ल करवाने की तैयारी पे है, और रो पड़ता और अपने भाई भरतरी की नार की कोड़ी भर लेता है, और कोड़ी भर के और रो के एक बात के द्वारा विक्रम किस तरह से क्या कहता है और न बोला रे भाई रे Yeah.
यो के बेउत बना रखा है कि मारे घर क्या ना मेरी शादी का जकरा चला दिया उन सौ भगवान जी इसके जागी कि तेरा ही जकरा चल रहा था अगर जब मेरा जकरा चल रहा था वन चलना एक मंदिर मर गेरे ले लिया अगर ना नो बात को ना बने अरे मंदिर में गेरे लिया तो किसे ने बेरा लागा कर किसे ने ना तू मारे घर आइये बरात लेके और मोड़ बांध के और उड़ा आइये जब मैं सखिया में मिलजुल के तेरे माला कर लूंगी और उड़ा तेरे श्यामी भी आऊंगी बार और दीपा होगा जब तेरे तो पहचानी जाते पहचान लिए अरे एक बात के द्वारा वाली लो चमन से क्या फरमाइश करती है क्या क्या कहती है क्या बताएगा ना बोली हो मारा बारो ठीप आइए
खावे तो अपने कैसे सुथरे सुथरे छोरे लिये कदे अड़ंगा ठा लिया होगा अड़ंगे तो काम को ना चल न्यूकल लगी वह बात सुनी होगी ना तने अके अब जब बटेऊ सुथरा हो बनना सुथरा हो तब बराती किसी हो पाटे लपे पर रहे हो से नारे हो से ना नारे हो सारे दख जा अगला जब बनने दराल पड़ती हो ना तब बराती किसी छल चीत बने अंदर जाओ सारे जूता फटेंगे अपने के सब नोट कर का ये उड़ानेंगे का काम को ना कैसे क्या फरमाइश करी क्या बता अपने कैसे अपने कैसे अच्छा लगा मरू तू छोड़े खासे ले आइए अपने कैसे अच्छा लगा मरू छोड़े खासे ले आइए अरे बारोटी पर तेरे पिया तू खेल तमाशे ले आइए
Thank you.
जल्लादों के सुपुर्द कर दिया जाता है, और वो जल्लाद कत्ल करने के बजाय रहम आया उस विक्रम को जिंदा छोड़ के वापिस आ जाते हैं। और उधर से कौन के समय बीतता गया और रानी पिंगला के खोटू जगर हुए। कैसे के एक महात्मा एक अमर फल ले आके राजा भरतरी को देते हैं, और राजा भरतरी उस अमर फल को ले जाके रानी पिंगला को देते हैं, और रानी पिंगला उसी अमर फल को एक उस सैयस को दे देती है, और सैयस ले जाके उस अमर फल को एक नाचने गाने वाली को दे देता है। अब वो नाचने गाने वाली ये सोचती है कि पिछले जन्म का किया हुआ फल तो तू अब भोगने लाग रही से, और ये अमर फल खाएगी तो अमर हो जाएगी, पता नहीं कितने पाप और करने पड़ेंगे। क्यों नहीं इस अमर फल को राजा भरतरी को दे दिया जाए, बड़े प्रतापी दयालु राजा है, इस प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे, वो अमर हो जाएंगे। अरे नाम के लालच में आपको नाचने वाली ले जा कुसी अमर फल को राजा भरतरी को दे देती है, और राजा भरतरी देखते हैं उस अमर फल को तो दिमाग चकरा जाता है, वो ये अमर फल तो तुमने रानी पिंगला को दिया था, ये इसके पास कहां से आया। अब पूछने के बाद चैन बन जाती है, वो नाचने वाली कहती है सैयस ने दिया, और सैयस कहता है कि रानी पिंगला ने ये अमर फल मेरे को दिया था। अब जब रानी पिंगला को दरबार के अंदर बुलाया गया और राजा ये कहते रहे महारानी मैंने आपको एक अमर फल दिया था, वो खा लिया या कुछ बचा हुआ। महाराज जब आप दे के गए ना उस अमर फल में सोदा नाकू खागी उसका नहीं बक्कल भी छोड़ रहा। अरे कुछ बच रहा हो तो मन्ने भी दे दे, मैं भी अमर हो जाऊंगा। कि नहीं महाराज मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो राजा भरतरी उस अमर फल को निकाल के और रानी पिंगला के सामने कर देते हैं, और ये कहते हैं कि ले महारानी एक और खा ले। देखते उस अमर फल को रानी पिंगला के शरीर में पसीना आ जाता है, चक्कर आ जाता है, चक्कर खा के जमीन के अंदर गिर जाती है। और राजा ये कहते रहे ओ बेवफा औरत तने मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया, अरे मैंने तेरे को सच्चा मान के एक अपने लक्ष्मण जैसे भाई को कत्ल करवा दिया, और तू झूठी लकड़ी ने धोखेबाज तने मेरे साथ ये क्या किया। अरे जो बड़े बड़े तान को ने बाजे कुछते ही फूटे मुंह से बोल। अब ये बताते कि रानी पिंगला नीचे पड़ी हुई आंखों में आंसू और रो के राजा भरतरी के सामने एक बात के द्वारा क्या कहती है, क्या बता रहे। Oh,
सब हमारे हो हे रोजगार ये पिछले जन्म के दाग ने अरे कुछ करनी कुछ करम गती और कुछ पूरब ये भाजन रे ओ तेरे काम की कोना रे छोरा ब्याह फटक रहा ब्याह ना करवावे
रिश्ते आला ने देखते नू खखा टूटे जो करे छतरी ने देख के डाक फड़किया करे। एक दिन ऐसा मौका सद्या रिश्ते आले आए बैठे और ने उन तक को केस हो गया पुलिस आ गई गांव में। थानेदार साहब और दो चार सिपाही वहां अपना मुकदमा निमटा के चपाड़ में तो उतरन लग रहे। फिर बुढ़िया ने बेरा लग गया। बुढ़िया गई भाज के बोली जी राम राम। अगर राम राम ताई के बात है अगर भाई बात केस है मेरा छोरा ब्याह ना करवाता। जब बोला ताई मारे दो रखे इलाज इस बात का मारा तो दूसरा महकमा है ब्याह आला कोई ना मारा महकमा। अरे बेटा मैंने ना कहती रिश्ते आले तो तैयार बैठे हैं तब न्यू कर लो। उसने डरा दो मेरे छोरे ने वो जो ब्याह करवा लेते अगाचा ले डराऊंगे कि जा रहा है अग मशान लेके जा रहा है सरान खातिर अगाचा बोला चाल बता। ते दूर ते बता दिया कि वो जुवार में बाढ़ रहा मैश अरे पड़ोसी के जुवार में बाढ़ रहा छकाउन लाग रहा अपने। थानेदार साहब गए ओ यार रामजादे इधर आ ये जुवार तेरी है अग ना जी। फिर ये मैश क्यों बाड़ी बोला जी हुए बड़ी की थी बोला गया फिर बाड़ेगा अग ना जी फिर नहीं बाड़ू कद दे भी गलती होगी। बोला चल तो ब्याह करवा ले लड़ गया न बोला जी ले चल लो घरा रिश्ते आले तैयार थे तो गेला टीका करवा दिया रे एक हफ्ते का ब्याह सगा इकट्ठा माना कर दिया। अरे बाबू डिया कल लागी थानेदार साहब एक हफ्ता आड़े देते रहो सेवा पानी करूंगी जो कदे फिर ना फटक जा। बोला कोई ना ताई तेरा इंतजाम बांध के जाएंगे हम तेई भाई अपने शादी होया करे आठ के नाला बांध दिया करे पाक है राखड़ी बांध दिया करे। और उसने तैयार कर कर ले गया अगले आगे चाह पानी तो निमट कर फिर बार उठी होगी और फेरिया की तैयारी हो पछे जब पटड़े पर जाकर बैठ लिए और पंडित जी ने मंत्र बोल कर बोला भाई कन्या को लियाओ। इस कन्या ने लियाए और जब वह पटड़े पर बैठाई बैठान लग गया तो उसका भी पाँव पटे साड़ी का पल्ला हट गया और वो लखाया उसने भी उसके पाँव भी राखड़ी बंदी दिखी। कौन इलाके ने बोला आगे वे तेरी भी जुवार में मैश बढ़ गई थी। तो भाई ये रागनी भाइयों के सामने भाई आराम से बैठे रहो किस समय की है कि जिस वक्त वो दूसरा संद्रोपी को खींचता हुआ चलता रहा हाथ जोड़ने के बाद प्रार्थना करने के बाद नहीं मानता तो रास्ते में क्या हुआ कि उसकी साज गंधारी का महल आ जाता है। ये सोचती है मन में कि दुष्ट सुनाई नहीं करता तू इस अपनी साज गंधारी को आवाज दे के देख ले कि रैया एक कुछ तरह तरस ले ले दया ले ले तो रोज में भर के द्रौपदी अपनी सास गंधारी को आवाज लगाती है और क्या कहती है एक बात के द्वारा क्या बताया भैया बोली फेरी मेरी सासु सभा मेरी सास सभा में जा सुनी तेरा
खरीदिए मैना कैसेट, मैना कैसेट, मैना कैसेट, हरियाणवी संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाली एक ही कैसेट जिसका नाम है मैना 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 मैना। जब भी खरीदें अपने नजदीकी दुकानदार से मैना कैसेट ही खरीदें। मैना कैसेट आपको हरियाणवी संगीत का पूरा पूरा मजा देती है। और हाँ, जब भी खरीदें मैना कैसेट, खरीदते वक्त कैसेट पर मैना कंपनी का ट्रेडमार्क जरूर देख लेवे, क्योंकि घटिया और डुप्लीकेट कैसेट आपके टेप रिकॉर्डर को तो खराब करती ही है और आपके संगीत का मजा भी किरकिरा करती है। इसलिए दोस्तों बहन और भाइयों सावधान,